टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल्याण फाटा दत्त मंदिर से मुंबई CST के लिए TMT की AC बस सेवा शुरू की गई है। दरअसल मुंबई लोकल में आम आदमी को सफ़र करने की जहाँ इजाज़त नहीं है, वहीं ऐसे में ही AC बस सेवा जो शुरू की गई है ये बड़ी अहम मानी जा रही है। इस बस का उद्घाटन खुद मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने रिबन काटकर और हरी झंडी दिखाकर किया है। दरअसल परिवहन समिति सदस्य शमीम खान से तमाम लोगों ने इस बस की मांग की थी और आज इस बस की शुरुआत भी की गई। इस मौके पर शमीम खान, शानू पठान, सैयद अली अशरफ भाई साहब और NCP के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। इस बस का नंबर है 145 और ये बस कल्याण फाटा से सुबह 8:30 और शाम के वक्त 4:30 पर छूटेगी और मुंबई से सुबह 11:30 पर और शाम में 6:55 पर छूटेगी। इस बस का किराया एक तरफ से ₹160 बताया जा रहा है। बहरहाल इस बस के उद्घाटन के बाद मंत्री जितेंद्र आव्हाड और शमीम खान और सैयद अली अशरफ भाई साहब ने क्या कुछ कहा है। सहूलियत मुमरा के लोगों के लिए, कौसा के लोगों के लिए, शिलपाटा के लिए शमीम भाई और अध्यक्ष विलास जोशी इन्होंने की है। इसका फ़ायदा मुमरा वाले लेंगे और काम करने वाले आदमी जिस जगह पे बैठते वो काम ही करते हैं, ये शमीम भाई ने दिखा दिया। ये जो बस दी गई है सर, हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ये बस ओलो बस अभी कुछ वक्त पहले पाड़ी साहब और सिराज डोंगरे साहब ने एक बात कही कि इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सर जब से TMT बनाई गई, आप हमारे चेयरमैन है सर व्यवस्थापक जी, ऐसा पहली बार हो रहा है कि यहाँ से ओलो बस मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के लिए जाए, ये इतिहास में लिखा जाएगा। हम बताना चाहते हैं, हमारे साथी हमारे सदस्य मोहसिन शेख भी आ गए हैं, हमेशा इनका भी प्रकाश पाटिल जी, बालाजी काकड़े साहब, नितिन पाटिल जी और प्रकाश पाटिल, इन लोगों का भी, मोहसिन भाई का हमेशा मेरा सपोर्ट रहता है, सपोर्ट करते हमेशा। मार्ग क्रमांक 145 कल्याण फाटा से ये बस का टाइमिंग छूटने का है 8:30 का। मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ जिससे लोगों में ये अवेयरनेस पैदा हो, बस ये ना हो कि कल व्यवस्थापक जी कहें, हमें हमारे चेयरमैन साहब कहें कि शमीम खान तुम बस की मांग तो करते हो लेकिन पैसेंजर नहीं आते। जब पैसेंजर नहीं आएंगे, पब्लिक नहीं बैठेगी, इसमें किराया नहीं मिलेगा बस को, आमदनी नहीं होगी तो बस बंद हो जाएगी। इसके लिए हम बताना चाहते हैं कि सुबह 8:30 का टाइमिंग ये बस स्टॉप से है कल्याण फाटा के दत्ता मंदिर से और शाम में 4:00 का टाइमिंग है। ये बस जाएगी आपको लेकर के यहाँ से लेते हुए मुमरा, कौसा और कलवा जितने बस स्टॉप आएंगे उसके भी हर बस स्टॉप बस को रोका जाएगा, आप पैसेंजर्स उसमें चढ़ेंगे और आप अपना सफ़र करेंगे और वहाँ मुंबई BT से ये बाबा पाटिल साहब शाम 4:00 छूटेगी और सेकेंड बस वहाँ से छूटेगी, सॉरी 11:15 छूटेगी वहाँ से मुंबई BT से और सेकेंड बस छूटेगी 6:55 को। ये इसका टाइम टेबल है, 8:30 मॉर्निंग यहाँ से, शाम 4:00 यहाँ टाइगर से और मुंबई BT से 11:15 और 6:55 को छूटेगी। आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए इस बस का, ओलो बस का पूरा फायदा उठाएं। और अभी काका ने कहा कि मैंने बस स्टॉप की मांग, इसका किराया कितना होगा समीम भाई? देखिए AC बस जी 165 यहाँ से लेके मुंबई BT। बीच में कम रहेगा जहाँ बस स्टॉप पे लोग रुकेंगे उनका कम रहेगा। इस्लामुद्दीन साहब आपने एक बात बोला है, काका से पूछा था कि बस स्टॉप और आपने कहा पैसेंजर्स को लेके जो कंप्लेनें आ रही हैं बार बार मीडिया के माध्यम से, आप लोगों ने भी नीलेश भाई आवाज़ उठाई है, रफीक कामदार जी ने भी उठाई है आवाज़ को, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच हमारे भाई, बड़े भाई सैयद अली अशरफ भाई साहब भी उद्घाटन समारोह में पहुँच चुके हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब कुछ दिनों के पहले एक बस ड्राइवर और एक कंडक्टर दोषी पाए गए थे, उसकी वीडियो हमने जारी किया था काका से साहब भाई साहब, और तुरंत जबकि आप वैक्सीनेशन में बिजी थे, कैंप लगा हुआ था, लेकिन वो छोड़ करके आए और हमारे व्यवस्थापक साहब और चेयरमैन साहब ने भाई साहब उस जो बस कंडक्टर ड्राइवर है यानी ड्राइवर है उसको सस्पेंड किया। भाई साहब आज बस की ओपनिंग हुई है, पहली बस है यहाँ से मुंबई के लिए, इस मौके पर उद्घाटन हुआ, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले हमारे
चेयरमैन साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और हमारे शमीम भाई जी को, क्योंकि ट्रेनें बंद हैं और लोग मुंबई तक नहीं पहुंच पा रहे और काफ़ी बड़ा पैसा खर्चा करके यहाँ से ओला करके शेयर करके जा रहे हैं, तो इसलिए जो ये शमीम भाई की कोशिशों से ये जो हुआ है, ये बस जो चली है, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मुमरा कौसा के लोगों को पहुंचेगा, सील डाइगर के लोगों को पहुंचेगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट और है चेयरमैन साहब से और शमीम भाई और हमारे जितने भी मेम्बर्स हैं कि एक आध बस और सादी चालू करवा दी। ये वॉल्वो है तो इसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सादा भी रहेगा, क्योंकि लोग जो है ना टैक्सी से शेयर करके जा रहे हैं, तो कम से कम उसमें अगर निकल जाएंगे ना तो हमारी सादी बसें रूटीन में चलेंगी और जब तक ट्रेनें बंद हैं जब तक तो ये अच्छा बिजनेस देगी अपने TMT को। तो मैं यही और सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, पूरे मुमरा कोसा को और तमाम सब लोगों को शुक्रिया।